ऐसा है। उपनिषदों का चिंतन आत्म चिंतन है और इस चिंतन में, इस विषय में अधिक से अधिक अंतर्मुखता की बात, मन इंद्रियों के संयम की बात, देह से ऊपर उठ कर के आत्मोन्मुख होने की बातें बताई गई हैं। देह और आत्मा की भिन्नता का विवेक किया गया है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो गुरुदेव जी ने छांट करके उपनिषदों का चिंतन, वो विषय उपनिषद सौरभ में रखा है, वह साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि पुरा काल से आत्म उपासना, आत्मचिंतन के लिए कितना एक गहन चिंतन हो रहा था और कितनी बारीकी से इस बात को वे समझते थे। वे अनपढ़ जिन्हें कहते हैं, उन ऋषियों को ये बातें समझ में आ रही थी कि शरीर के अंदर एक अविनाशी दृष्टा चेतन आत्मा है और वही नित्य है, वही सत्य है और वही एक स्थिर सत्ता है। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में, पढ़ाई लिखाई के ज़माने में और अनेक प्रकार की सारी सुविधाएं तथा कला कौशल से संयुक्त होकर के भी आज हमको नहीं समझ में आता और हम आत्मा को ही तिरस्कृत करने लगते हैं और कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, भौतिकवादी बन जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो इसमें ऋषि बताते हैं आज कि आत्मा का स्वरूप और परम गति। आत्मा का स्वरूप क्या है और परम गति, जिसे कहते हैं परम शांति, परम तृप्ति, परम लाभ, परम प्राप्तव्य, तो वो क्या है? ऋषि कहते हैं कि इस आत्मा का रूप देखने में नहीं आता, इसे कोई भी आँख से नहीं देख सकता। विचारशील लोग मन का संयमन करके इसे हृदय से ही समझते हैं। जो आत्मा को ठीक से जान जाते हैं वे अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। ये आत्मा देखने का विषय नहीं है, आँखों से इसको नहीं देखा जा सकता है। आँखों से क्या देखा जाता है? रूप विषय, रूप पदार्थों का, प्राणियों का, मतलब जो भी भौतिक तत्व हैं। प्राणियों में भी आत्मा है, तो क्या कोई किसी के आत्मा को देखता है? उनके जो ऊपरी रूप, पदार्थ रूप है, उसी को देखते हैं, शरीर को। शरीर रूप विषय होता है, आत्मा रूप विषय नहीं है। इसी तरह इंद्रियां रूप विषय हैं, इंद्रियों के विषय वो रूप विषय नहीं है। बुद्धि से जानी हुई जो चीजें हैं वे रूप विषय हैं, लेकिन बुद्धि रूप विषय नहीं है। आत्मा तो और इन सब का संचालक है, आत्मा रूप विषय हो ही नहीं सकता है। आत्मा को, आत्मा विषयी है। यहाँ विषयी का मतलब वो लंपट वाला शब्द नहीं, इंद्रिय और विषय और विषयी ये अलग अलग चीज़ें हैं। इंद्रियां अलग स्थूल अंग हैं और उनके विषय हैं, जिन पर, जिन चीज़ों को इंद्रियां ग्रहण करती हैं, जानती हैं, वो विषय है। और इन विषयों को जो जानता है वो विषयी है। देह और देही, जैसे देह और देही कहा जाता है, गृह और गृहस्थ, गृह में रहने वाला, तो इसी प्रकार यह आत्मा देखने का विषय नहीं है।
इसे कोई आँख से नहीं देख सकता। विचारशील लोग मन का संयमन करके इसे हृदय में समझते हैं। मन को पहले पवित्र करें, मन की चंचलता का त्याग करें, मन को जो विषयों की तरफ, बहिर्मुखता की तरफ, प्रपंच की ओर, राग द्वेष की ओर लगा रहता है, इसको त्यागे और त्यागने के पश्चात स्थिर चित्त से फिर हम इसको सोचें, मनन करें, तब लगेगा कि मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब से अलग एक स्थिर सत्ता हूँ। जो ठीक से आत्मा को जान जाता है वे अमृत हो जाते हैं। अमृत, अमृत वे है ही हैं, जीव का स्वरूप अमृत ही है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते, अब मगन है दुनिया में। दुनिया में क्या मगन है? इन इंद्रियों के भोगों में, इंद्रियों की विषयों को रस मान लिए, उसी को आनंद मान लिए और उसी में लग गए। लेकिन वो मग्नता हमारे दुखों का कारण है, चंचलता का कारण है, पीड़ा और अशांति का कारण है, क्योंकि वे स्थिर नहीं हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मन को और उद्वेगित करेंगे, चंचल बनाएंगे और भय, चिंता, शोक, संताप के कारण बनेंगे और जीव परेशान होगा, दुखी होगा। इसलिए अमृत वस्तु को समझें, अमृत अमर आत्मा ही है। सद्गुरु कबीर ने और भी कहा, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोरी, आप सरीखा जो मिले ताही पियावहु घोरी। बहुत बढ़िया वचन, कितना स्पष्ट, कितना साफ और कितने करुणा के ये वचन हैं। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोरी। साहब कहते हैं, मैंने ज्ञान, विचार, संयम, साधना और आत्म उपासना, आत्म चिंतन की बातें, एक वास्तविकता, एक सच्चाई और जीव जगत की तथ्यता को स्पष्ट करके मैंने खोल दिया। ये अमृत की पुड़िया मानो तुम्हारे सामने पोटली खोल करके रख दिया, सब प्रकार से विवरण, विस्तार और उसका चिंतन और उसकी रहनी, रहस्य को मैंने बता दिया। अब आप उसको मनन करें और मनन करके उसका लाभ लें। लेकिन इतना ही नहीं, आप सरीखा जो मिले ताही पियावहु घोरी। अगर आपके जैसे ही जिज्ञासु, मुमुक्षु और कोई मिले, कल्याण इच्छुक आवे, तो उनको भी घोल करके थोड़ा पिला दो तो उनको भी लाभ हो जाएगा। तो ये अमृत है, आत्मा अमृत है, वही आप हैं, वही हम हैं। जब तक अपने देह को, जब तक अपने आप को हम देह मानने का भ्रम करेंगे, तब तक उस अमृत वस्तु को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए तभी तक हमारा भय भी नहीं छूट सकता, चिंता भी नहीं छूट सकती, आसक्ति भी नहीं छूट सकती। इसलिए अपने को देह मानने का भ्रम छोड़ना चाहिए। मैं देह नहीं हूँ, देह में हूँ। जब देह में हूँ तो देह के लिए मेरे कर्तव्य हैं। सरल हो गया। अब जैसे घर में हैं हम, घर ना होते हुए भी घर के मेरे कर्तव्य हैं। घर में झाड़ू लगावें, घर की साफ सफाई करें, घर को रंगे पोते भी समय से, और घर की मर्यादाओं को बनाए रखें। इसी प्रकार हम देह नहीं हैं, लेकिन देह के कर्तव्य हैं। देह को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, इसकी साफ सफाई रखना, इसकी मर्यादाएं उचित बनाए रखना। लेकिन यह निश्चय होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ। यह क्षणिक है,
बदल जाने वाला है, छूट जाने वाला है। और इसी के साथ इस देह में हमारे कर्मों का प्रभाव फले फूलेगा। पूर्व के कर्मों में जो संस्कार हैं उनका भी तो वो कहीं छीण तो हो नहीं जाएंगे, बीज कभी नष्ट होते नहीं। पानी बरसता है, मौसम आता है, जमीन में नमी होती है और वे उगते हैं। इससे पता चलता है कि बीज पहले से थे। इसी तरह लोगों के जीवन में संपन्नता होती है, चीज़ें होती है, स्वास्थ्य होता है, लोग होते हैं, सब होता है। लेकिन इसी बीच में अचानक दुख निकल आते हैं, आदमी परेशान हो जाता है। अब फिर कहता है कि मेरे जीवन में तो कोई ऐसे कर्म नहीं थे, दुख कहाँ से आ गए, क्या पता है, वो दिख रहे हैं क्या, वो घास के बीज दिख तो नहीं रहे थे, ये कैसे उगाए, तो बिना बीज के उगाए क्या, बीज थे वो मिट्टी में तभी उगे हैं। इसी तरह हमारे कर्मों का वो बीज थे तभी ये दुख आए हैं। अब कुछ दुख होते हैं वर्तमान तत्काल के बनाए हुए और कुछ पूर्व के भी, क्योंकि ये जीव अविनाशी है और जन्मों जन्मों से कर्मों के प्रवाह में चल रहा है और उसी के परिणामों को, फलों को जन्मांतरों में भोगता रहता है। इसलिए हम इस वास्तविकता को समझ करके सब तरफ से नैराश्य भाव मन में उत्पन्न करें और अपने आप को अविनाशी आत्मा समझ करके सारे भय से मुक्त हो जाएं, तब हमें अमरता की प्राप्ति होगी। यही ख्यालात हमें स्वरूप स्थिति की ओर ले जाएंगे और यह चिंतन जिसके जीवन में प्रगाढ़ता से आ जाता है वो परम शांति को पाता है। ऋषि कहते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम्। बड़ा सरल, बड़ा महत्वपूर्ण और सबके लिए उपयोगी, समझ में आने वाला। यदा जब पंचावतिष्ठन्ते, पांच अवतिष्ठित स्थित शरीर में जो स्थित हैं, ज्ञानानि मनसा सह, ज्ञानानि ज्ञान की, ये सूत्र वचन है तो हर चीज स्पष्ट नहीं, कुछ रूपक में बताया जाता है। ज्ञानानि ज्ञान की इंद्रियां, जो हमारे शरीर में पांच ज्ञान की इंद्रियां स्थित हैं, ये विचेष्टति, चंचल नहीं होती हैं, तब ज्ञानानि मनसा सह, ज्ञान इंद्रियां और मन भी, बुद्धिश्च बुद्धि भी न विचेष्टति, चंचल नहीं होती हैं, तब तामाहु परमाम गतिम, इसे परम गति कहते हैं। परम गति, परम गति का बड़ा सरल अर्थ है, वो काशी करवट लेने से परम गति नहीं होगी। गंगा में जा कर के स्नान करें और फिर वहीं प्रयाग में मुंडन करवा लें और वहीं शरीर छूट जाए तब मुक्ति नहीं होगी। और हरिद्वार के जा कर के वहाँ हर की पैड़ी में शरीर को छोड़ दें या राम की पैड़ी में छोड़ दें तब मुक्ति हो जाएगी, यह भी संभव नहीं है। आत्मा की पैड़ी में छोड़ें, ना हर की पैड़ी और ना राम की पैड़ी। अगर इसी शब्द को हम अंतर अपने आप में घटावें तो शब्द सही है, शब्द कोई खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जब उसके लिए भाव बदल जाते हैं तब वही हमारे लिए
विपरीत अर्थ प्रकट करने लगते हैं। हरि आत्मा ही हरि है, और उसको हम थोड़ा बाह्य रूप में लें तो वो ज्ञानी विवेकवान गुरुजन ही हरि हैं, और उनकी पैड़ी में, उनके संरक्षण में, उनके सानिध्य में, उनके विचार और उपदेशों में जब शरीर छूट जाए, रह करके, रहनी बना करके, तब मुक्ति है। इसी तरह राम की पैड़ी, आत्मा में रमना रमने वाला, वो सब समय मुक्त ही है। तो यहाँ ऋषि बताते हैं कि जब पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि अपनी चंचलता को छोड़ दें, विकारों को छोड़ दें, इंद्रियां विकारों को छोड़ दें, अब छोड़ देने का मतलब क्या होगा, इसका भी अपनी इसकी मर्यादा होती है। समझने के लिए कथन की अपनी एक सीमा होती है। अब छोड़ दे का मतलब क्या होगा, इंद्रियां अपनी विषयों को छोड़ दें तो, चंचलता छोड़ दें तो क्या देखना छोड़ देंगे हम, आँखों से देखना बंद कर दें, कहीं चलना हो तो आँखों में पट्टी लगा लें, और सब समय के लिए कान में पट्टी बांध लें, देखना ही बंद कर दें, सुनना ही बंद कर दें, जीभ को मुख में ताला लगा लें, कुछ खाना पीना ना बंद करें, क्योंकि कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ छुएंगे तो विषय ग्रहण होगा, ऐसा नहीं है। देखिए तीन बातें होती हैं, अनावश्यक, आवश्यक और आवश्यक होते हुए भी अनाशक्ति पूर्वक ग्रहण करना, ये तीन बातें हैं। जो साधक है, जो विवेकवान है, वो अनावश्यक का तो त्याग कर ही देता है। अनावश्यक क्या है, अंडा मांस मछली शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट और टीवी नाच, टीवी में फिल्म और नाच रंग तमाशे हंसी मजाक और काम क्रोध लोभ मोह मनोविकार लड़ाई झगड़े कलह कल्पना ईर्षा द्वेष, ये सब अनावश्यक, इन सब से तो दूर ही हो जाता है। लेकिन अब आवश्यक है, भले वो अनावश्यक को छोड़ दिया है, विकारी चीजों को छोड़ दिया है, लेकिन आवश्यक को तो अपनाना पड़ेगा। वो है खाना पीना पहनना, देख के चलना, लोगों की बात सुनना, और कुछ स्पर्श होगा ही, चलेगा तो पैर में जमीन का स्पर्श होगा, पहनेगा कुछ कपड़ा वो स्पर्श ही होगा, तो ये आवश्यक विषय हैं, इनको तो लेना ही पड़ेगा शरीर निर्वाह में। अनावश्यक का बिल्कुल त्याग, आवश्यक का उपयोग करेगा लेकिन अनासक्ति पूर्वक, इसमें भी अनासक्ति होनी चाहिए। आवश्यक में भी अगर असावधानी हो गई, अनासक्ति पूर्वक उनका उपयोग करने लग गए, तब यही बंधन बन जाएंगे। इसलिए ऋषि कहते हैं कि इंद्रियों की चंचलता और मन की चंचलता, मन को भी बहुत ना दौड़ावें इधर उधर, और बुद्धि, बहुत बुद्धि का प्रयोग करके और बुद्धि में रह जाना ठीक नहीं। बुद्धि का प्रयोग करके, सारी बुद्धि हमारी आत्मा में ठहरने के लिए होना चाहिए। केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं वाक विलास से और बुद्धि विलास से काम नहीं बनेगा। बुद्धि साधन है, साधन का उपयोग करके मंजिल में ठहरें। गाड़ी साधन है, गाड़ी का उपयोग करें और अपने घर पहुँचें और घर में विश्राम किया जाता है। इसलिए बुद्धि भी साधन है, मन भी साधन है, इंद्रियां भी साधन है, सब साधन, सारे साधनों का फल है कि साध्य की प्राप्ति हो जाए। तो महर्षि कहते हैं कि जब इंद्रियां, मन और बुद्धि अपनी चंचलता को छोड़ देते हैं, तब जीव चेतन आत्मा अपने आप रह जाता है शांत, और अंतर्मुख होकर के आत्मस्थित हो जाना, यही परम गति है।
कैसा मोक्ष का सादा सरल सच्चा स्वरूप बताया गया, परम गति की एक वास्तविकता को अस्पष्ट व्यवहारिक रूप बताया गया। सोचने में ये कितना अस्पष्ट और समझ में आता है ये बात, यही श्रेष्ठ गति है, यही मानव जीवन के सच्चे सुख और ऊंचाई की पराकाष्ठा है। क्या मिलेगा यहाँ, किस चीज के लिए हम भागे जा रहे हैं? आज तक जो पाए कितना साथ में है, और साथ में भी है तो कितना हम उसको ले करके बैठते उठते चलते खाते पीते हैं क्या? अरे चीजें हैं, लोग हैं, सुविधाएं हैं, दुकान मकान घर रुपया पैसा जमीन तो अपनी जगहों में सब हैं, सब चीजें अपनी अपनी जगह में हैं, हम तो केवल अपने में हैं, अपने आप में। लेकिन जब मन में भ्रम का पर्दा, मोह का, ज्ञान का पर्दा रहता है, तब चीजें अपनी जगह होते हुए भी हमारे मन में वे चढ़ी रहती हैं, और यही बंधन है। चीजों के लिए, चीजों को ये अपेक्षा नहीं होती है कि ये मेरा मालिक है और मैं इसको जानूं और ये मेरा अपना है, लेकिन इंद्रियों को अपना मान करके हम भ्रम माने रहते हैं कि यही हमारी चीज है, यही हमारी वास्तविकता है। वस्तुतः हम इन विषयों से, इंद्रियों से ऊपर उठें। यहाँ इंद्रियों से अर्थ भीतरी और बाहरी जानने के साधन हैं, भीतर मन बुद्धि आदि, और बाहरी नेत्र कान आदि, इन सब की स्थिर धारणा हो जाती है। जब ये पूर्ण शांत हो जाते हैं तब इसी को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोक देना, चित्त की चंचलता को रोक देना, यही है योग। इस अवस्था में साधक के मन में कोई प्रमाद नहीं रहता, प्रमाद का त्याग होना चाहिए। सब प्रकार से हमारा मन जो प्रमाद आते हैं, चंचलता, जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, ये प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ होता है कि जो ना करने योग्य है उसी को करना, विपरीत कर्म करना, उल्टी बुद्धि अपनाना, ये प्रमाद है। ऋषि साधक को सावधान करते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम सावधान रहना, ये योग उदय और व्यय होने वाला है, मतलब छूटने और मिटने वाला है। जो साधक आज बहुत ज्ञान की बातें, साधना की बातें, अंतर्मुखता की बातें जानता है और उसको आचरण में लाता भी है, लेकिन कल वही छूट भी सकता है अगर हम असावधानी पूर्वक, मोह पूर्वक प्राणी पदार्थों का उपयोग करते हैं तो। इसलिए साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। योगो ही प्रभो अपयो, ये योग प्रभो और अपाय रूप है। ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिर इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस् भवति योगो ही प्रभो अपयो। योग प्रभो और अपाय रूप है, उठने और गिरने वाला है। साधना ये मन की एक अवस्था है, और जितना ही इसको टाइट रखो, सजग रखो, उतना ही ये बढ़िया बना रहता है, और ढिलाई कर दो तो वो गिर जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे पतंग होती है, पतंग की रस्सी को जितना अपनी तरफ खींचते जाओ तो पतंग ऊपर चढ़ती जाती है, और रस्सी ढीली कर दो तब पतंग अपने आप कहीं जा कर के गिर जाती है, और झाड़ झंखाड़ में, कीचड़ पानी में। इसी तरह मन की दशा है,
आत्म अस्तित्व का बोध, अपने आप को हम पहचाने, मेरा अपनापन क्या है, उसके लिए ऋषि कहते हैं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रूयतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। ये नचिकेता और यमाचार्य के संवाद में जो चर्चाएं आई है, ये पूरा कठोपनिषद आत्मज्ञान से भरा हुआ। यमाचार्य नचिकेता को समझाते हैं और कहते हैं, पूर्व में जो बात आई ये लंबा एक आत्मज्ञान का उपदेश है, बहुत महत्वपूर्ण। पीछे बताया गया कि यमाचार्य कौन है और नचिकेता कौन है। नचिकेता एक उत्तम जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, और उसके उपदेष्टा कौन है? यमाचार्य। तो यमाचार्य यमराज तो सामान्य शब्दों में उसको कह दिया गया, लेकिन यमाचार्य एक गुरु स्थान पर हैं और गुरु रूप हैं, और मुमुक्षु नचिकेता एक उत्तम साधक है। तो उनको उपदेश करते हुए यमाचार्य कहते हैं। आत्मा मन वाणी तथा आँख आदि का विषय नहीं है, वह तो इन सबका प्रेरक है, इनसे विषयों को ग्रहण करता है। ऋषि कहते हैं, आत्मा होने का प्रमाण तो तुम्हारा अपना होना है। मेरा अपना होना है इतना ही पर्याप्त है। वो क्या है, वो कैसा है, वो कितना किस रूप रंग वाला है? सद्गुरु कबीर ने कहा है कि हलका गरुआ जाए न तौली, भूख न तृषा धूप नहीं छाही, दुख सुख रहित रहे ते ही माही। और विप्रम तीसी में बात आई है कि लास्ट में क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण है वो पंक्ति, याद नहीं आ रही लास्ट का। तो ये आत्मा बाह्य विषय है ही नहीं है, बुद्धि का विषय है ही नहीं है, इंद्रियों का विषय है ही नहीं, ये केवल अनुभव का विषय है। इसको हम जाने, ऐसा संसार में विषय बहुत हैं और उन विषयों को ग्रहण करने के लिए साधन इंद्रियां हैं, आत्मा को ग्रहण करने के लिए कोई साधन नहीं। इन विषयों से चीजों को, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है आत्मा ही। अब आत्मा को कैसे ग्रहण करें? तब ईश्वरवादी यहीं पर यही कह देंगे कि ईश्वर ग्रहण करेगा आत्मा को, उसकी जब कृपा होगी तो फिर कृपा क्यों नहीं करता? आत्मा ही ईश्वर है, वह खुद कृपा करे अपने पर और वो इस सारे साधनों को साइड कर दे। अब जो औजार उपयोग में नहीं आते हैं जिस चीज के लिए, उसी को बार बार उपयोग करते रहेंगे तो समय बर्बाद होगा, काम होगा नहीं। तो समय से हम उन साधनों को साइड कर दें और फिर मनन चिंतन करें, अपने आप में स्थित होवें, तब वो ग्रहण हो जाएगा, तब वो समझ में आ जाएगा। आत्मा को आत्मा द्वारा ही हम जाने। जो गीता में बात आती है, उद्धरेर आत्मा आत्मानम्, आत्मा द्वारा ही आत्मा का उद्धार करें। तो इसको समझने के लिए और साधनों का प्रयोग नहीं होता। हाँ, साधन सहायक हो सकते हैं, आँख सहायक है कि आँख से हम ग्रंथ पढ़ करके, संत गुरुजनों के दर्शन करके, उनकी रहनी को समझें,
और उन बातों को समझ करके हम अंतर्मुख हो जाएं। आँख सहायक हो गई, कान सहायक है, कान से हम ज्ञान की बातें सुने और गुरुजनों के उपदेश शिक्षा सुन करके और हम अंतर्मुख होवें और अपने आप में लौट आवें, ये कान सहयोगी हो गया। इसी तरह अन्य विषय भी सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे लक्षित को नहीं पहुंचा सकते हैं, ये इंद्रियां और ये विषय। अंततः आत्मा को पहचानने के लिए विषयों को छोड़ना ही पड़ेगा उस स्थिति में ठहरने के लिए, और वहाँ शांत होकर के रुकना पड़ेगा अपने आप का। ऋषि कहते हैं, है यह कहने वाला वाले के अलावा वह कैसे मिल सकता है, बस इतना ही कह सकते हैं, है। आत्मा को ना मन से पाया जा सकता, ना वाणी से, ना आँखों से, है यह कहने वाले के अलावा वह कैसे मिल सकता है जो है 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 सब समय कह रहा है। मैं की पुकार जहां से हो रही है वही आत्मा है। यह है इस प्रकार बुद्धि द्वारा उपलब्ध करना चाहिए। यह है बुद्धि द्वारा उपलब्ध करना चाहिए। इसके बाद समाधि में पहुंचकर अर्थात सारी वासनाओं को छोड़कर आत्म साक्षात्कार रूप तत्व भाव से ही प्राप्त करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, ये तत्व भाव का बोध होना चाहिए। जितना बाहर से हम लौटेंगे उतना तत्व भाव, उतना आत्म भाव मजबूत होगा अंतःकरण में, अपने आप में। और ये पूर्ण दशा तो अंतःकरण को भी छोड़ना पड़ता है। अंतःकरण से, अंतःकरण क्या है? अंतःकरण की चार अवस्थाएं हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये चार, चतुष्टय अंतःकरण जिसे कहते हैं, ये अंतः माने भीतरी, भीतर जानने के साधन। और बाह्यकरण क्या है आप बताइए? हाँ, ये पांच ज्ञानेंद्रियों को बाह्यकरण कहते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये बाहर के विषयों को जानते हैं। भीतर क्या हो रहा है, ये कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या मनन कर रहा है, शुभ की अशुभ, इसको आँख से, कान से, त्वचा से, जीभ से, नाक से थोड़े जाना जा सकता है। इंद्रियां जो बाह्य करण हैं वो बाहर की चीजों का ज्ञान करती हैं, लेकिन अंदर की बातों को, अंदर की बातों को जानने के लिए चार साधन हैं, वो हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये मन के ही रूप हैं, लेकिन उसको और बारीक ढंग से समझने के लिए चार चार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसका साक्षात्कार तब होता है जब श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार, ये चार बातें आती हैं। पहले श्रवण करें। क्या श्रवण करें? श्रवण माने होता है सुनना। साधकों के, ज्ञानियों के, अंतर्मुखी लोगों के वे आत्मज्ञान परक उपदेश सुनने की बड़ी ज़रूरत है। जो साधक ऐसी चर्चा नहीं सुनेगा, आखिर मन चंचल बना है, वह भी तो सुनने से हुआ है। हम राग रंग के, विषय के, प्रपंच के और विवाद कलह के, राग द्वेष के वचन सुने और वह श्रवण से मन विकारी हो गया, चंचल हो गया, बहिर्मुख हो गया। अब अंतर्मुख करना है, शांत करना है, तब ज्ञान की बातें सुनना पड़ेगा। तो श्रवण करें और मनन करें। जिस मनन से मन चंचल हुआ है, अब उस मनन को त्याग करके आत्म मनन करें, स्वभाव का मनन करें, अपनी आदतों का मनन करें।
तब फिर काम बनेगा। निदिध्यासन और बारीकी से उसको समझना, ये निदिध्यासन है, तब साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब ठहरना, अनुभव करना, उस स्थिति में जीना, ये चार क्रम हैं। उन्हें ऋषि ने यहाँ दो में ही बताया है। जब सद्गुरु द्वारा उपदेश पाकर साधक समझता है, तब उसे अपने आप का भान होता है। जिज्ञासु पूछता है कि आत्मा क्या है, उसे उत्तर दिया जाता है कि जो पूछ रहा है उससे अलग आत्मा को कहाँ पाएंगे। जो कहता है कि बताओ ना मुझे आत्मा कहाँ है, तो बताने वाला क्या बताएगा, वही यही तो कहेगा कि जो कह रहा है कि आत्मा कहाँ है क्या है, ये जो पूछ रहा है ये पूछने वाला ही आत्मा है। अगर वही नहीं रहता तो कौन पूछता, आँख पूछती, कान पूछते। जब व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, मुर्दा पड़ा हुआ है, तब तो न आँख पूछती है कि ये भाई क्यों रो रहे हो, घर वाले रोते हैं ना, तो आँख से देख करके वो क्यों नहीं बोल देता है कि क्यों रो रहे हो। अगर वो बोल दे तो लोग जान जाएंगे कि अच्छा आत्मा है अभी, और नहीं बोल रहा है तो जान गए कि अब वो नहीं है। तो ना वो बोल सकता है ना सुन सकता, नहीं बोल सकता है तो सुन ले और कुछ संकेत करे, कुछ उस ढंग से भावना व्यक्त करे, तब भी कुछ नहीं। मतलब उसको हम इंद्रियों के माध्यम से जान ही नहीं सकते। उक्त बातें सुनकर जिज्ञासु जिसे बाहर खोज रहा है, उसे उसने बुद्धि द्वारा अपना स्वरूप समझा, परंतु इतने में उसे पूर्ण अनुभव एवं परम शांति नहीं मिल सकती। जब तक सम दम तितिक्षा और साधन का उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक ना पूर्ण स्वस्थता हो सकती है और ना संयम हो सकता है और ना समाधि में साधक प्रवेश कर सकता है। क्योंकि ये क्रम है, साधना का क्रम है, बिना उस क्रम को अपनाए, जैसे योग दर्शन में बताया गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्रम है। ये क्रमशः जब साधक साधना में अपने आप को परिष्कृत करते जाता है, साफ करते जाता है, इंद्रियों को शुद्ध करते जाता है, स्वभाव को जीतता जाता है, विकारों को त्यागता जाता है, तब फिर अंततः समाधि की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह यहाँ पर ऋषि बताते हैं कि सम दम साधन तितिक्षा, सम अपने विकारों को त्याग दे, शांत करे, लेकिन सहज नहीं शांत होते तो दमन करे, दम साधनों को उपयोग करे, साधना करे और बैठ करके एकाग्र चित्त से अध्ययन करे, मनन करे, श्रवण करे और आत्म स्वभाव अपने स्वभाव का अवलोकन करे, ये सब साधन हैं। तितिक्षा इस दशा को प्राप्त करने के लिए आई हुई कठिनाइयों को सहे, तब फिर मन की वो दशा आती है, फिर वासनाओं का त्याग होता है। जब साधक सभी वासनाओं का दृष्टा होकर के उन्हें त्याग देता है, तब उसे अंतर्मुक्ता प्राप्त, अंतर्मुक्ता की प्राप्ति होती है और वो अपने दृष्टा स्वरूप का बोध प्राप्त करता है। और मन के कार्यों से ऊपर उठ करके वो अपने आप की ओर लौटता है। इसी को ऋषि ने यहाँ तत्व भाव कहा है। तत्व भाव पहले केवल बुद्धि से जाना जाता है, फिर मैं आत्मा हूँ यह भाव का अनुभव उसे होता है। पहले तो बुद्धि से ही समझें, बिना बुद्धि से समझे हम कैसे आत्मभाव में उसको चरितार्थ करेंगे। हर चीज का पहले, यहाँ तक कि पहले इंद्रियों से जाना गया, फिर बुद्धि से ग्रहण किया गया, पहले बाह्यकरण, फिर अंतःकरण, फिर
बुद्धि से, अंतःकरण बुद्धि ही है, और फिर ठहराओ, फिर उसका अनुभव साक्षात्कार तब होता है। तत्व भाव उदय हो गया तो मानो फिर साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार उस दशा में स्थित हो जाना, स्वरूप स्थिति, एकदम आमना सामना हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति मिलता है तब कहते हैं उससे साक्षात मैंने बात किया, उसको साक्षात मैंने देखा। हाँ साक्षात्कार देखना, साक्षात दर्शन करना, तो ये बिल्कुल आमना सामना हो जाना। तो ऐसे ही साक्षात्कार का मतलब पूर्ण स्वरूप स्थिति, तब उसको वो देख लेता है। अब देख लेने का मतलब आँख से देख लेना नहीं, उसको वो जान लेता है, उसको वो पा लेता है। तो एक कथन के लिए उस दशा को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, बस उसको यही कहा जा सकता है कि वह उस दशा को प्राप्त करके वहाँ ठहर जाता है। मन की ग्रंथियों का कट जाना ही मोक्ष है। मन की ग्रंथियां, मन की गांठें, गांठ गांठ ही तो परेशान करती है। जैसे किसी के बिस्तर पर कुछ छोटे छोटे कंकड़ बिखेर दिया जाए तो कितना आनंद आएगा सोने में। अरे आनंद क्या आएगा, परेशानी होगी, नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार जिसके व्यक्तित्व में, जिसके जीवन में, स्वभाव में गांठें बनी हुई है, राग द्वेष की गांठ, मोह बैर की गांठ, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, ये तमाम प्रकार की हर्ष शोक की, अपने पराए की जब गांठ बनी रहेगी, मनोविकारों की गांठ बनी रहेगी, तब तक कहाँ शांति, कहाँ फिर ठहराव, और कहाँ फिर वो बोध। जब हृदय में टिकी हुई सारी कामनाएं छूट जाती हैं तब यह मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, और इस अवस्था में ब्रह्म का अनुभव होता है। कामनाएं ही गांठ हैं, कामनाएं इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा देखना, ऐसी सुविधाएं, ऐसा सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब गांठ हैं, और इन गांठों के रहते साधक स्वस्थ नहीं हो सकता, स्थिर शांति का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। इस मरण धर्मा मनुष्य को अगर अमरता की इच्छा हो तो वह गांठों का त्याग करे, तब उसे ब्रह्म का अनुभव होगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायन अस्य हृदि श्रिताः अथ मृत्यो अमृतो भव यत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हृदय की सारी गांठें, सारी कामनाएं छूट जाती हैं, तब यह मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। हम सब समय मरण धर्मा बने हुए हैं, मतलब देह बने हुए हैं, देह मरण धर्मा है, और देह अपने को हम माने रहेंगे तो हम भी मानो मरण धर्मा है। लेकिन जिस क्षण हमें देह से भिन्न अपने अविनाशी स्वरूप आत्मा का बोध हो जाता है, तब हम मरण धर्मा से अमृतत्व का अनुभव करते हैं, ब्रह्मत्व का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम भ्रम में पड़ जाते हैं, यही है।